इसका बर्थडे हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड अनदर वीडियो। सो यस, ये जो व्लॉग होने वाला है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई का है बर्थडे, और आप लोगों को पता है कि जब भी आकाश का बर्थडे आता है और उस बर्थडे को योगेश ना मनाए ऐसा हो नहीं सकता है। पर ठीक है, ये छोड़ते हैं। तो अभी मेरे दिमाग में एकदम से आया कि भाई कुछ तो करना है। ऐसा नहीं करना कि रात को 12 बजे केक लेके पहुंच गए और हैप्पी बर्थडे बोल दिया और खुश। ऐसा नहीं करना हर बार के लिए, हमेशा करो कुछ डिफरेंट करो। क्योंकि मैंने जितने भी इसको बर्थडे पे किया है हमेशा कुछ डिफरेंट ही किया है, तो इस बार भी मेरे दिमाग में बहुत डिफरेंट चीज है। तो हाँ, तो सीन ऐसा है कि मैं उसको नॉर्मल मतलब हमेशा गिफ्ट नहीं देता या उसको सरप्राइज नहीं देता। मैं इस बार का सरप्राइज थोड़ा सा अलग और हटके होने वाला है कि मैंने एक्चुअली अंशुल को बोल दिया है कि अंशुल तू एक काम कर, उसको 5 बजे रिहर्सल पे लेके जाइयो इंडियाज बेस्ट डांसर के, और रात को 12 बजे लेके आइयो। तो शायद से आंटी और दीदी भी आ चुकी हैं घर पे, तो मैं उसके घर पे जाऊंगा छुपके से आंटी और दीदी को बता के, और उसका रूम को कर दूंगा एकदम डेकोरेट। और एक केक ले रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, मतलब मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो उस केक पे कुछ चीज़ें मैं लगाऊंगा तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाएंगी, इसीलिए तो वो मेरे हिसाब से उसको बहुत अच्छा लगेगा और वो सरप्राइज भी लगेगा, बिकॉज वो हमारी कुछ यादें हैं, मेमोरीज हैं हम तीनों की, हम चारों की। तो वो सब बहुत मज़ा आने वाला। तो मैं भी आया हूँ फोटो स्टेट की दुकान पे कुछ पूछने के लिए जो मुझे चाहिए एक्चुअल में, तो होप सो अगर वो मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। चलो भाई, मैं फोटो स्टेट की दुकान पे भी आ गया हूँ और मैंने ऐसा फोटोज भेज दिए हैं जो मतलब मेरे को करवाने हैं। तो अभी मैंने ऋतिक को बोला है फ़ोन करके कि भाई 2-4 फोटोज भेज दे, और ऋतिक होता तो और मज़ा आ जाता, बट ठीक है कोई बात नहीं, ये भी मज़ेदार है। वैसा खुश हूँ मैं उसके बिना भी। बस अभी भैया फोटो स्टेट कर देंगे, पैसे की डीलिंग हो गई है, कितने देने कितने नहीं देने। तो पहले मैंने सोचा था कि इस गरीब के लिए थोड़ा गरीब वाला ले लूं, बट नहीं, फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, मेरा भाई शो कर रहा है तो अच्छे से लेना पड़ेगा। तो इसमें पहले 2 ऐसे आएंगे, फिर 1 ऐसा, फिर 1 ऐसा, फिर 5 ऐसे, फिर 10 ऐसे, 10 10, और फिर ये आएगा हैप्पी बर्थडे 1 पीस वाला, जिसमें ऐसा पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा। तो कुछ इस बनाने के ऊपर है कि ऐसा भी बना सकते हैं हम या कुछ अलग बना सकते हैं। और लो भाई, हमारे भाई के आ गए फोटोज। तो ये फोटोज मैं केक पे लगाऊंगा बढ़िया तरीके से। हाँ हाँ, ओ भाई ये अकेला उल्टा, बढ़िया है। तो ये अभी जाएंगे केक पे। तो ये हो गए हमारे फोटोज बढ़िया बढ़िया रेडी, और ये भैया ले आए बेचारे स्टिक। थैंक यू भाई जी, बहुत सारा प्यार। क्या? हाँ, ये फोटोज तो ये तो खरीद लिया, सब खरीद लिया, ये दोनों खरीद लिया। हाँ, क्योंकि भैया आपने फोटो काटे, बहुत कुछ किया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअल में इस लड़के को ना मेरे पैर धो के पीने चाहिए कच्चे में, इसके लिए बर्थडे के लिए प्लान बनाता हूँ, घूम रहा हूँ मैं समझ। तो मैं मतलब भगवान हूँ इसके लिए, भगवान बोला कर मुझे। तो भाई साहब हैं इतने सारे केक, ये पार्ले जी वाला केक भी है। तो सिर्फ गैस करना है आप लोगों की मैंने कौन सा केक लिया होगा उसके लिए। लूँगा तो इनमें से ही। तो ये ऊपर है और ये है कुछ नीचे और अंदर की साइड है। तो मैंने सोचा कि मेरा दोस्त एकदम गोल्ड है तो उसके लिए गोल्ड केक लिया जाए। देख भाई, दिल्ली सोने के बिस्किट, सोने का दिल और सोने के ये क्या है, ये लिख रहे हैं जो मैंने उनको बोला है। अच्छी लग रही है ना के दिल्ले, क्या ये अच्छा। बस भाई, और इस पर चुका दूंगा मैं फोटोज, बल्कि लगेगा मेरा केक एकदम बढ़िया। हाँ भाई, जल्दी जल्दी पैक कर दो, बढ़िया डिब्बे में पैक करो ना, महंगे वाले में। हाँ गुड गुड। हाँ भाई जी, तो बात ऐसी है कि हमारी बात हुई थी अभी थापा माता से, तो मतलब आकाश की मम्मी से मेरी बात हुई थी, तो उन्होंने बताया कि इसकी आज कुछ तो कहीं जाने वाला है बाहर, पर जल्दी आ जाएगा। और सिंपल सी बात है, पूरी फैमिली आई है घर पे आकाश के लिए आई है, तो उसको भी टाइम स्पेंड करना होगा, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिला और रहता भी नहीं है ज़्यादा ना, फैमिली से दूरी है इसलिए। अब मुझे कैसे, मुझे तो आदत हो गई है इसे, बट वो छोड़ो। बाकी वर्षा दीदी जो मैं प्लान कर रहा था, एक्चुअली वो सेम चीज़ कर रही है वर्षा दीदी प्लान। अब उनके प्लान में मैं अपना प्लान ऐड करूँगा तो फिर प्लान बड़ा अजीब सा ही प्लान हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज वर्षा दी को करने देते हैं, और कल जब ये रिहर्सल पे जाएगा तो अंशुल से कर लूँगा मैं कोऑर्डिनेट, और मैं और हार्दिक भाई की गाड़ी में सजा दूंगा ये बलून बढ़िया तरीके से, और जो केक लाया हूँ वो तब कुछ करेंगे, या तो गाड़ी में करेंगे, गाड़ी के बाहर करेंगे, या गाड़ी के ऊपर करेंगे, गाड़ी के नीचे करेंगे, पर करेंगे ज़रूर। तो मैं सोच रहा हूँ कि कल करें सो आज कर, आज करें सो कल, तो मतलब हम करेंगे कल जो भी करेंगे। अभी चलते हैं, मैं सचिन भाई के घर को, थोड़ा आया था मतलब वाइब करने के लिए, चिल करने के लिए, अकेला रहता हूँ तो क्या मूड नहीं रहता है मेरा सा अकेले रहने का, तो कोई चाहिए होता है, तो सोचा कि सचिन भाई के घर चलता हूँ। तो अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से मेरे घर,
और उसका फ़ोन वो नहीं उठाऊंगा बिल्कुल भी, नहीं फ़ोन तो उठा लूँगा एक्चुअली, वरना वो समझेगा, समझ जाएगा कि उसको दे रहा है। तो यस अभी निकलते सीधा घर। और एक चीज़ और हाँ गाइस, आपको पता है ये जो प्लान है ना, ये प्लान मेरे दिमाग में सिर्फ 10 से 15 मिनट के बीच में आया, पता है, क्योंकि मैं आपको एक प्लान का आइडिया बता दूँ, अगर आपके दिमाग में कभी प्लान नहीं आया ना, तो एक काम करना कि 10 से 15 मिनट सिर्फ उस बंदे की फोटोज़ देखना, अपनी साथ में फोटोज़ देखना और ट्राई करना कि मैं क्या नया कर सकता हूँ, क्योंकि सब लोग करेंगे कि रात को 12 बजे जाएंगे केक लेके, ये सब तो नॉर्मल होता है, अभी बेसिक हो गया है, उससे अलग क्या कर सकते हो, तो मैंने अलग सोचा है कुछ, तो आप लोग भी ऐसे सोच सकते हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए फॉलो करें। चलो गाइस फाइनली मैं आ गया हूँ घर पे, और घर पे आने के बाद मतलब मुझे एक ऐसा पैकेज मिला कि शायद से कुछ शूज़ वूज़ है, एक्चुअली मैंने जो ब्रांड प्रमोशन किया था शूज़ का, तो उन्होंने मुझे वाउचर दिया था 9000 के बीच में, आप कुछ भी खरीद सकते हो, मतलब कोई भी एक शूज़ खरीद सकते हो। वो मैं सोच रहा हूँ कि अभी उसकी अनबॉक्सिंग कर रहे थे, वैसे भी करके आ रहे हैं भाई, आज वो टाइम होगा कि अभी आकाश घर जाएगा, उसको सरप्राइज़ मिलेगा, तो अपन अलग है, तो हम लोग थोड़ा अलग करेंगे, राइट। तो मैं अभी फ्रेश फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद अपन पैकेज खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे शूज़ है, मटेरियल कैसा है, कैसी क्वालिटी है। अब मैं कर रहा हूँ इसको काटने का काम, जैसे मैंने बोला था कि हम करेंगे अभी इसकी टाइप के शूज़ हैं कैसे लगते हैं मेरे पे, मैं काट ही गदों की तरह करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था, तो होप सो मतलब अच्छे ही भेजे होंगे, क्योंकि तो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक थे, तो उन्होंने बोला कि जो आपको पसंद है एक बार आप हमें भेज दो, हम टीम से बात करके भिजवा देंगे वो सेम शूज। ओ ओके गाइस, सो मुझे ये शूज पसंद आए थे, सी सोल भी बहुत अच्छा है, और अगर कभी पापा ने मारा तो जोर से भी लगेगा, देखो उसका कलर बहुत अच्छा लगा था, मतलब थोड़ा डिफरेंट लगा था, थैंक यू सो मच। और ये जो दूसरा जूता है वो भी सेम ही होगा ऑब्वियसली, ऐसा ऐसा। और अभी मिलते हैं सीधा कल, बिकॉज मैं सोच रहा था कि आज उसको गिफ्ट दे दूंगा, मतलब सरप्राइज दे दूंगा, बट आज फैमिली है तो फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने दो उसको, क्योंकि बेचारे बहुत टाइम बाद आएंगे वर्षा दीदी और ये सब लोग ना। Yes, मिलते हैं कल, और मैंने हार्दिक भाई को बोल दिया कि जैसा भी रहेगा मेरे को बता दो ना, क्योंकि मैं केक वेक लेके आ गया हूँ, वैसे भी मैंने शाम को ही लिया कोई 5:30-6 बजे करीब, तो इतना ऐसा खराब भी नहीं होगा ना, एक दिन में कैसे खराब होगा, ठीक है, राधे राधे बाय। तो गाइस फाइनली मैं निकल चुका हूँ, और बाल को इग्नोर करना है क्योंकि अभी आ रही है बहुत जोर से हवा। तो यस अभी बज रहे कुछ 2:30, और आकाश ट्यूशन पे पहुँच गया था 11:00 बजे, पर मैंने सोचा कि इतनी जल्दी नहीं जाता हूँ, बिकॉज यार मैं भी तो अपनी नींद पूरी करूँगा। तो यस अभी मैं चला जाऊँगा यहाँ से मतलब मेट्रो स्टेशन के पास, जहाँ से मेरे को हार्दिक भाई ले लेंगे, और फिर हार्दिक भाई का और मैंने ही प्लान बनाया था दोनों ने कि गाड़ी में करते हैं और उसके पास जाके सरप्राइज देते हैं ऐसा, तो क्योंकि कल सेम जो चीज़ मैंने की थी भाई सेम चीज़ वर्षा दीदी कर रही थी, तो कहता ना दोनों चीज़ें सेम हो जाती, डबल डबल सामान हो जाता, अलग करने की तो मेरी आदत है तो मुझे करना था। तो यस अभी मैं जा रहा हूँ फिल्म सिटी, और मेरे को हार्दिक भाई पिक कर लेंगे, फिर गाड़ी में ही सजावट होगी। अब भाई दोस्तों तो बात ऐसी है कि अभी मैंने मिलाया था शहजान को फ़ोन, तो बोलता है कि भाई हाँ रहन दो, आकाश को पता चल गया है कि आप आ रहे हो, लो बात करो। अब मेरी फट गई, मैंने कि मैं केक पे गई फेंक दूंगा, मैं बहुत गुस्से वाला बच्चा हूँ, मैंने कि केक पे गई फेंक दूंगा, फालतू में तूने ख़राब कर दिया सरप्राइज। तो फिर बाद में पता चला कि दोस्त है, दोस्त तो मजाक होता है, तो वो मजाक कर रहा था मेरे साथ, पर नहीं पता चला, तो भाई एक उम्मीद सी वापस जा गई मेरे अंदर। और अभी हार्दिक भाई बस आने वाले हैं, मैं पहुँच गया हूँ अपनी लोकेशन पे, और फिर वहाँ से जाएंगे सजाएंगे गाड़ी को, आज दुल्हन बनाएंगे दुल्हन। सर मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ कुछ 10 से 15 मिनट से, क्योंकि हार्दिक भाई कर रहे हैं यहाँ से सिग्नल क्रॉस, और 10-15 मिनट में अभी तक सिग्नल ही क्रॉस नहीं हुआ, और मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है, क्योंकि भाई मैंने इसको सेम सरप्राइज दिया था झलक में जब ये शो पे था, और मैं एकदम से केक लेके गया था, और अभी भी मैं ऐसा शो में इसको सरप्राइज दूंगा, वाह भाई कितना लकी हूँ मैं, वाह 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 वाह। कहे कि मैं उसको कैसे सरप्राइज दूंगा वो मैं हार्दिक भाई के साथ ही बताऊंगा। मुझे लग रहा है कि सिग्नल खुला है, तो होपफुली आ जाए हार्दिक भाई। ये भाई बहुत क्लीन है गाड़ी, वेरी गुड, आकाश के बर्थडे के लिए बजाएगा। क्या करेगा कल गाड़ी साफ करवाई है मैंने।
बढ़िया बहुत बढ़िया किया भाई ये तो। अब सजाएंगे हार्दिक भाई की गाड़ी को दुल्हन की तरह। गाड़ी सीधा वहीं लेकर जाते हैं। हाँ मैंने भी कुछ सोचा है, मैं आपको बताता हूँ। ये पीछे रख दिया, मैं बोल रहा था कि फिल्म सिटी की साइड लेकर जाते हैं, वहाँ रोक लेंगे गाड़ी कहीं। हाँ ठीक है, या फिर फिल्म सिटी के बाहर ही रखते हैं, क्योंकि बाहर ही रखते हैं यार, कौन डिस्टर्ब कर रहा है। हाँ तो वहीं रखते हैं। हाँ और हमला कर देते हैं, सीधा घुस जाते हैं वहाँ पे ना, एक रिहर्सल में गाड़ी घुसा। मैंने पता क्या सोचा है कि पहले गाड़ी को सजा लेंगे, वही बोल रहा आगे पीछे से, और फिर उसके बाद मैं ना केक लेके जाऊंगा आप, और मैं केक लेके जाएंगे और फिर अपन ऐसा सजा के रखेंगे गाड़ी को ऑलरेडी। अंदर से सजानी बाहर से? क्यों बाहर से क्यों सजानी? अंदर साइड से पीछे वैसा। तो मैं केक लेके जाएंगे अपन दोनों, और उसके बाद ऐसा बोलेंगे कि हैप्पी भाई, ऐसा नहीं लग रहा था कि बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, तब इसको बाहर लेके आएंगे ऐसा, है ना? बढ़िया है ना तो भाई हमने लगा दिया यहाँ पे गाड़ी कहीं तो आगे फिल्म सिटी के, तो अभी हम लोग थोड़ा कर रहे हैं सजावट। इसमें बहुत सारे ऐसे मत देखो शक्ल से, बहुत महंगा आया ये, तो अभी हम लोग यहाँ करेंगे सेटअप। हवा का है ये तो, किसका किसका है? खराब हो गए तो खा लिया वैसे तो, क्या बिल्कुल खाएंगे थोड़ी ये लोग। हैप्पी बर्थडे, गिर गया पूरा ये नीचे भाई। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो, ठीक है। गाइस हमारे साथ वो बर्थडे वाले भैया ने स्कैम कर दिया है, ये देखो ये उन्होंने मुझे क्या होगा एच नहीं दिया, देखो ये छोटी सी पैंट दी अंशुल के लिए, मुझे अंशुल के लिए पैंट दिए गए उसने मुझे। भाई पूरा का पूरा सेटअप हो गया, अभी मैंने आधे बलून फुलाए, क्योंकि जितनी जरूरत होगी अभी फुला के रख लेते हैं, फिर गाड़ी बंद भी करनी है ना, फिर वहाँ के जाके खोलेंगे, अगर जरूरत पड़ी तो फुला लेंगे, वरना कोई बात नहीं। और अभी इसका टाइम है, अभी इसको खत्म कर देते हैं, फिर सीधा भाई के पास चलते हैं। चलो भाई फाइनली मैं आ गया हूँ, और हार्दिक भैया ने मुझे बताया था कि रात को हार्दिक भाई की और आकाश की बात हुई थी, तो उसको ऐसा लग रहा था कि हार्दिक भाई योगेश लगता है बर्थडे भूल गया मेरा, ऐसा नहीं हो सकता बेटे। तो अभी हमने थोड़ा ऐसा ट्राई किया कि थोड़ा ऐसा कुछ हो, और मैं अंदर की साइड जाऊँगा, उसे लेके आऊँगा केक वेक लेके, क्योंकि भाई मैं ज़रा पास में आया था साइड पे, तो मैंने सोचा केक वेक लेके चल देता हूँ और बर्थडे मनाता हूँ, वो बाहर चलते हैं, बाहर ही काट लेते हैं थोड़ा ऐसा करके। मैं जा रहा हूँ IBD के, इसमें भाई बड़ा बड़ा बना रखा है भाई ये तो। भाई कहाँ है आकाश, कहाँ पे? हाँ भाई हीरो, हाय गाइस, आकाश कहाँ है? स्टेज पे है, स्टेज पे है, तो मुझे केक यहीं से कर देना चाहिए। हेलो भाई, इधर से बाहर काटेंगे, बाहर काटेंगे, इधर काट, बाहर आ जा, एक नंबर हॉल के बाहर काट, नहीं बाहर आ जा, हाँ एक नंबर हॉल के पास, कल की नहीं आई तू, कल की नहीं आई, बाहर बाहर बोलो, बाहर बोलो भाई, बाहर आ जा ना, बाहर आ जा, बाहर मतलब जीत के बाद नहीं काट लेते, क्या हो गया नहीं आप जीत गए ना, तो आउट हो गया अभी, आउट हो गया तो। हाँ भाई उनको जानता तू, किसको? उनको, किनको? हार्दिक भाई। अच्छा ये भी आप बैठे बोलना, फिर मैंने सोचा कि इसे वैसा केक वेक लाऊंगा भाई, वो हो जाएगी ना थोड़ी मेहनत के। भाई क्या बादल आ रहे हैं वहाँ? बादल पे छोड़ दो, बादल पे नहीं, केक पे ध्यान। हैप्पी बर्थडे क्लोज से ओपन करो, अरे मां कसम, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, मतलब हां ठीक है। ये क्या अंदर ये चुपका लेते, अच्छा अरे नहीं यार था, अरे तू बस कर ना, चुपका लेते चुपका लेते, तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? स्माइल कर, बस स्माइल करो, शुरू हो जा।
हैप्पी बर्थडे टू यू। आजा 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 उड़ गया सारा डीडू। इसका बर्थडे हाँ भाई मजा आया। मैं इसलिए कर नहीं आया था, पता है हार्दिक भाई ने मुझे बताया भी कि तूने बोला था हार्दिक भाई देखा योगेश शायद से बर्थडे भूल गया मेरा। मैं इसलिए नहीं आया, पर मैं आया रात को ही था, मैं आया ही था रात को। चलो भाई हैप्पी हैप्पी। एक डायलॉग मार दी मेरे वाला, दिल डोंट गिव यू एनीथिंग ऑलवेज, यू डिड दिस आई विल किस योर ब्लड। बड़े भाई अब रिहर्सल कर चुपचाप जाके चल। इसको तो मैंने पीछे रखा था, सॉरी भाई, फोन पकड़ा लिया था भाई, सॉरी। तू केक खा यार पहले, इसको केक खिला। लो मैं बना तो तुम खिलाओ। नहीं तेरा खाने का मन था क्या? हाँ मैं भी खाऊंगा, थोड़ा खाएगा, ज्यादा खाएगा भाई। वो मीटिंग चल रही है उसकी, फोन पे तुम्हें दिख नहीं रहा, जबरदस्ती खिला रहे हो। आज अंदर आज भाई, तेरे गाँव में सेट पे निकला साहब, इसे खिला दो, इसे खिला दो, सेट पे पकड़ा साहब। भाई एक सांप के लिए कितने सारे लोग आए थे। इसका फ्रेंड है ना, मेरे फ्रेंड को लेके जाया। भाई एक सांप के लिए कितने लोग आए थे एक तो। चलो गाइस मैं आ चुका हूँ आकाश के घर पे अभी, और ये इन्होंने सजाया था, मेरा भी ऐसे कुछ सेम होने वाला था, बट मैंने अपना चीज बचा ली और मैंने उसको वहां जाके सरप्राइज दे दिया, इसलिए आपने सब देख लिया हो गया है ना, मजा आया ना। तो अभी आकाश का कुछ तो पैकअप हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, जल्दी कर लेगा वो, और 8:30-9 बजे करीब तक हो जाएगा उसका, और वो घर पे आएगा, फिर हम लोग मिलके मचाएंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। और मेघा और वर्षा दीदी भी आ गई हैं, तो उनसे भी बातचीत होगी आज बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत टाइम बाद मिले हम लोग ना सारे के सारे भाई बहन, इसीलिए। तो बाद में मिलते हैं, ठीक है, जाओ चलो। कितना अच्छा लगता है, मतलब मैं ऐसा, मुझे कुछ 11 से 12 साल हो गए मुंबई में, और मेरी फैमिली वाले मेरे साथ नहीं रहती, पर एक यहाँ पे भी आकाश। अरे बस यार तुम तो फ्लैक्स मारते रहा करो, स्नैप पे पैसे बढ़ाते हैं मेरी वजह से। हाय फैमिली, एटीट्यूड नहीं तमीज से। हाय कितने अच्छे लग रहे हो आप लोग साथ में। फाइनली मतलब वो दिन अपना, रात को हमने बहुत सारे मस्ती की भाई, हमने गेम वेम खेले थे बहुत सारे, बट बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि वही है ना कि मेरी फैमिली दूर रहती है, तो एक वो फैमिली वाला भी रिश्ता मेरे को वापस ऐसा देखने के लिए मिले, मतलब सब भाई बहन बैठ गए, दोस्त लोग बैठ गए, मज़े उड़ा रहे एक दूसरे के, मजाक कर रहे एक दूसरे के साथ, तो वो जो मस्ती है ना वो मैं बहुत ज़्यादा मिस करता था। बट यस मज़ा आ गया भाई उस दिन तो, और बाकी आपने सारा पूरा व्लॉग देख ही लिया है, तो होप करता हूँ आप सबको व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लव यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ट्राई करूंगा जल्दी लाने के लिए।